मौलाना लाल हुसैन अख्तर फरमाते हैं, तकसीम से कबल सूबाई इलेक्शन में तहसील डस्का से एक उम्मीदवार मिर्जाई भी था और मिर्जाई उम्मीदवारों के खिलाफ हमारा महाज खसूसियत के साथ था। इसी असना में चौधरी अब्दुल गनी गुमन ने साहबजादा फैजुल हसन साहब से, जो उस वक्त गुजरांवाला में किसी अलालत के सबब साहिब फराश थे, मुलाकात की और कहा कि डिप्टी कमिश्नर ने मुझे बुलाकर हिदायत की है कि तुम अपने मौजा के तमाम वोट मिर्जाई उम्मीदवार को लेकर देना और मैंने उनसे पक्का वादा कर लिया है कि इनके हुक्म की पूरी तरह तामील होगी, लिहाजा आप बुखारी साहब को कह दें कि वो हमारे गाँव में मिर्जाई उम्मीदवार की मुखालफत करने न आए, ना वो जाकर उसके खिलाफ वोट मांगे। अगर उन्होंने मेरी बात ना मानी तो नतीज बहुत खतरनाक होंगे। मैं नहीं चाहता कि एक आलिम और सैयद के खून से हमारे हाथ भरे। मेरे इस मशवरे को अगर ना माना गया तो फिर बात साफ है, दुनिया पहले एक सैयद की शहादत पर आज तक रो रही है, फिर इसे भी रोएगी। बेहतर यही है कि वो मेरी बात मान लें और मेरे मौजा का रुख ना करें। मौलाना फरमाते हैं, साहबजादा साहब ने मुझे बुलवा भेजा और सारा वाकया मिनोअन सुना दिया और कहा अब सोच लें, समझ लें, साथियों से मशवरा करके जैसा मुनासिब वो कदम उठा लें। मौलाना बताते हैं कि शाह जी उस टाइम कहीं दौरा पर थे, मैंने मशवरा किया और यही तय हुआ कि हमें उनकी धमकी से मरूब नहीं होना चाहिए वरना मिर्जाई उम्मीदवार कामयाब हो जाएगा। हमने गिर्दो नवा के तमाम रजाकारों को पैगाम पहुंचा दिया कि वो जुम्मा इस मौजा में आकर पढ़ें और बावर्दी आएं। उधर हमने शाहजी को तार देकर बुलाया और इस मौजा में ऐलान करवा दिया कि यहाँ जुम्मा लाल हुसैन अख्तर पढ़ाएंगे और उसके बाद शाहजी की तकरीर होगी। शाहजी जब जुम्मा के रोज सुबह तशरीफ ले आए तो मैं और शाहजी और दीगर अहबाब कार में बैठ कर डस्का की तरफ उस मौजा को रवाना हो गए। मैंने रास्ते में शाहजी को सारे हालात से आगाह किया, शाहजी खामोशी से सुनते रहे। जब मैं बात खत्म कर चुका तो मैंने पूछा, शाहजी क्या ख्याल है, हमने वहां जाने का फैसला सही किया या गलत? शाहजी फरमाने लगे, मौलवी साहब जो रात कब्र में आनी है वो बाहर नहीं आ सकती। बहरहाल हम जब वहां पहुंचे तो हमारे सैकड़ों रजाकार बावर्दी पहुंच चुके थे और सारे गाँव में गहमा गहमी थी। रजाकारों ने इस्तकबाल किया, हम उतरे और स्टेज की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचे तो खासा मजमा हमारे इंतजार में था, रजाकारों ने चारों तरफ से जलसा घेर लिया था और स्टेज के गिर्द भी बहुत से रजाकार पहरा देने लगे थे। जब मैं खुतबा के लिए खड़ा हुआ तो पहले तीन सफ़ें सारी की सारी मुखालफीन की थी, सब मुसल्ला थे, बंदूकें कुल्हाड़ियाँ टोके हाथों में लिए बैठे थे। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि हमसे एक गलती हो गई, चाहिए तो ये था कि पहली सफों में रजाकारों को बिठाते ताकि मुखालिफ आसानी से हमलावर ना हो सकें। मैंने आहिस्ता से ये बात शाहजी के कान में कही, शाहजी ने फरमाया अब छोड़ दो, अल्लाह के सुपुर्द करो और खुतबा दो। मैंने अभी खुतबे के चंद अल्फाज कहे थे कि चौधरी अब्दुल गनी, जो कि मुखालिफ पार्टी की तरफ से था, पहली सफ के दरमियान से उठकर खड़ा हो गया और पुकार कर कहने लगा, मौलवी साहब वाज बेशक कहो, जुम्मा की नमाज पढ़ाओ, हम वाज सुनेंगे, नमाज तुम्हारे पीछे पढ़ेंगे, मगर ये याद रखो अगर इलेक्शन के मुतल्लिक या हमारे उम्मीदवार के खिलाफ एक लफज भी कहा तो ये बंदूकें कुल्हाड़ियाँ और टोके तुम्हारे सरों और सीनों पर होंगे। हमने पहले बता दिया है, बाद में कोई हमसे गिला ना करे कि हमने ज्यादती की है। ये कहकर वो बैठ गया तो शाह साहब ने एक दम मेरा हाथ खींचकर मुझे बिठा दिया और ऐसे जोश और जलाल से खड़े हुए कि मैंने ना पहले कभी और ना बाद में उनको ऐसे जोश और जलाल में देखा। शाहजी ने बगैर कुछ कहे खुतबा मसनूना शुरू कर दिया। खुतबा के बाद चंद आयात कुरानी तिलावत फरमा कर उनका तर्जमा किया, फिर ऐसे पुरजोश और वालेहाना अंदाज से तकरीर जारी रखी कि किसी को कुछ होश ना था। हत्ता के शाहजी इलेक्शन के मौजू पर आ गए और जानी दुश्मन बैठे सुन रहे थे। तकरीर करते हुए शाहजी ने ऐसी बेखुदी और बेसाख्तगी के अंदाज में गरज कर फरमाया, वो देखो मलाइका हाथों में कलम लिए और सामने रजिस्टर रखे बैठे हैं, जो मुसलमान उम्मीदवार को वोट देगा उसका नाम जन्नतियों में लिखेंगे और जो मिर्जाई उम्मीदवार को वोट देगा उसका नाम दोस्तियों में लिखेंगे। लोगो तुम्हें खुदा की कसम है, बताओ तुम क्या चाहते हो? जो चाहता है कि उसका नाम मलाइका जन्नतियों में लिखें वो हाथ खड़ा करे। यकदम तमाम मजमा ने हाथ खड़े कर दिए। जब शाहजी ने गौर से देखा तो पहली तीन सफ़ें जो मुखालफीन की थीं उनमें से किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया था,
उन्हीं सफों में अब्दुल गनी बैठा था। शाहजी ने फौरन ललकारा, अब्दुल गनी हाथ उठा दे वरना मारा जाएगा, तेरा और तेरे साथियों का नाम दोस्तियों में ना आ जाए। शाहजी ने कुछ ऐसे बारोब अंदाज में ये जुमले कहे कि अब्दुल गनी ने झट अपना हाथ बुलंद कर दिया। उसे देखते ही उसके बाकी साथियों ने भी हाथ खड़े कर दिए। पूरा पिंडाल अल्लाह अकबर के नारों से गूंजने लगा और हम लोग बहजार खातिर और मदारत वहां से कामयाब वापिस आए।